वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं मेमन फाउंडेशन, आपको उसका विजिट करवाने हैं। तो अभी मैं बस निकलने ही वाली हूँ, तो अब जल्दी से वहाँ पे आपको मैंने वहाँ पर पहुँच के मिलती हूँ और वहाँ पे सारी आपको विजिट वगैरह करवाऊँगी सब चीज़ों का, कि वहाँ पे कैसी कैसी दुकानें होती हैं और क्या क्या होता है। मम्मा का हर रोज़ वहाँ पे जाने का होता है, इस वजह से मैंने जब फ़ायदा उठाया मैंने कहा मैं भी चलूँगी। ये आ गए हैं हम मेमन की स्ट्रीट पे, और यहाँ पे जो शॉप है ना, इनके बन कबाब बहुत अच्छे होते हैं और ये देते हैं 80 रुपीज़ में। 80 रुपये का बन कबाब बहुत अच्छा होता है शुरू में ही, लेकिन अभी हमें खाना नहीं था तो इसलिए हमने, और रश भी बहुत है यहाँ पे। इनके पास मेमन बर्गर वाले के पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, समोसे वगैरह, कचौरी यहाँ की बहुत मज़े की होती है, वो भी सिर्फ 20 रुपये में। चाट वगैरह भी यहाँ की, खाने की चीज़ें शुरू में जितनी हैं सब बहुत अच्छी हैं, मैंने भी ट्राई की, आप लोग आके ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी कॉस्मेटिक शॉप आ गई यहाँ पे, ये सारी जो है ना, जो भी बेकिंग का सामान चाहिए होता है वो इधर मिल जाता है। ये मेमन स्ट्रीट पे हर चीज़ मिल जाती है आपको। ये हैं यहाँ के फ्राइज और मोमोज़, जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं, 100 रुपये के 4 मोमोज़ देते हैं और बहुत मज़े के होते हैं, मैंने ट्राई किया है, आप लोग भी ज़रूर खाइएगा। बाकी ये फॉर्मिकेशन की सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, जो भी अंदर कोर्सेज होते हैं उनकी सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं इजीली। इसके अलावा ये हैं यहाँ की फ्लावर्स शॉप वगैरह, जो अंदर सारे आर्ट्स सिखाते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं ईज़ीली। बाकी यहाँ पर सब स्टॉल्स भी होते हैं, मेकअप वगैरह की चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ की बहुत अच्छी होती हैं। इधर का गोला गंडा और सोडा बहुत अच्छा होता है। तो ये है यहाँ की पूरी स्ट्रीट, और अंदर वीडियो बनाना जो है अलाउ नहीं होता, लेकिन कोशिश करेंगे जो जो आपको दिखा चुके हैं, क्योंकि यहाँ की ये गोले गंडे के बराबर में है कैट शॉप, यहाँ पर कैट्स वगैरह इनका ऑनलाइन भी होता है, तो ये भी यहाँ पर कैट्स वगैरह भी मिलती हैं। ये यहाँ पे शर्ट्स वगैरह जिम का जितना सामान होता है यहाँ पे मिल जाता है, और बहुत ही कम प्राइस में ये देते हैं सारी चीज़ें। चलते हैं मेमन के अंदर, लेकिन अंदर देखें बनाने देते हैं या नहीं, बोलने देते हैं या नहीं, क्योंकि एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं नवंबर दिसंबर के, अब नेक्स्ट 2024 के ही एडमिशन खुलेंगे। बाकी ये सॉक्स वगैरह यहाँ पर अंकल के पास बहुत ही कम प्राइस में देते हैं। आगे सारी शॉप्स हैं, जो भी अंदर सिखाए जाते हैं कोर्सेज वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। ये यहाँ पर आएँ और मकई ना खाएँ तो हो नहीं सकता, इनके मकई बीज वगैरह बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत मज़े के ये मकई बना के देते हैं, तो इनको आ गई मकई याद। ये आ गए हैं हम मेमन के अंदर, मैं जाती हूँ जिम सामने, और यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, आपको हम वन डे क्लासेस का भी दिखा देते हैं। आगे यहाँ से सीधा जाते हैं तो पॉलर आ जाता है मेमन का, और लेडीज़ की शॉप्स होती हैं, जो चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ मिल जाती हैं तो आपको दिखाते हैं हम। नवंबर दिसंबर की 2 महीने की क्लास तो एंड हो गई, ये है वन डे क्लासेस, जो कि है वेनसडे की स्मोकी मेकअप, ये सारी मेकअप्स की आ गई, ये इनकी क्लासेस हैं, इस टाइम पे होंगी। वन डे की यहाँ पे 90 रुपये और इसी तरीके के चार्जेस होते हैं। ये यहाँ पे इनकी बेकिंग का है, जिम की क्लासेस यहाँ पे एंड हो चुकी हैं, क्योंकि जिम का एडमिशन यहाँ मिलता है 2 मंथ्स का, और योगा का भी 2 मंथ्स का होता है, लेकिन जिन्हें 1 महीने का चाहिए होता है तो वो दिसंबर में अगर आते हैं तो 1 महीने का मिल जाता है। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी है कोर्स, ज्वेलरी मेकिंग, स्पेशल बेकिंग है, जी हो रही है तजवीद कुरान की क्लासेस, फैब्रिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, एडवांस फाइन आर्ट, कैलीग्राफी, बहुत सारी कोर्सेज यहाँ पे होते हैं, स्टिचिंग है बेसिक, ये भी नवंबर दिसंबर की है, एडमिशन हो चुके हैं लेकिन दिसंबर में अगर किसी को चाहिए हो तो मिल जाता है।
ये आगे यहाँ की ब्यूटिशन के कोर्सेज हैं, वोकेशनल क्लासेस क्लासेस शेड्यूल आ गया यहाँ पे सारा, ग्रूमिंग क्लासेस हैं कुछ, अगर सही नज़र ना रहो तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख लेंगे। प्राइजेज हैं सारे, ये हैं यहाँ के शेड्यूल्स नवंबर दिसंबर के। नवंबर के एडमिशन हो गए लेकिन दिसंबर में आप लोग को वन मंथ के ये लोग दे देते हैं। यहाँ से जाते हैं तो इनका काउंटर आता है जो कि ये जो आप सीखा हुआ होता है सबके सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं। लेकिन अब हमने जाना है जिम, ये देखें मुझे पता ही नहीं, और ये मेरे पर्स से पैसे निकाल के चली गई हैं चीज़ लेने, तो अब ये आ रही हैं भाग के वहाँ से चीज़ ले कर। कहाँ गई थी? जूस नहीं मिला? नहीं, 50 का नहीं था, 60। तो 60 ले जाती जब लेके गई थी, तो अब मैं अंदर जिम चली जाऊँ फिर ले लेना। ये है फिटनेस क्लब का, यहाँ पे योगा जुम्बा एरोबिक्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ इनके लैंग्वेज की सारी क्लासेस वगैरह का शेड्यूल मालूम होता है। जिम के चार्जेस यहाँ के 2 मंथ के हैं, 5000 तकरीबन डॉक्टर की फ़ीस वगैरह मिला के, और योगा की और एरोबिक्स के जो हैं वो हैं 1800 और 25 20 रुपये फॉर्म के होते हैं, और बाकी ये के 900 पर मंथ होते हैं। लेकिन ये 2 मंथ्स का ही मिलता है फुल डेज़, और अगर 3 डेज़ लें तो 900 का मिल जाता है 2 मंथ्स का, लेकिन मैं फुल डेज़ लेती हूँ तो इसलिए मेरे चार्जेस ज़्यादा हैं। जिम का 2 मंथ्स का ही मिलता है, 1 मंथ का नहीं मिलता। तो अब मैं जा रही हूँ जिम, फिर इंशाल्लाह जिम से वापसी में आपको जो भी दिखा सके तो ज़रूर दिखाएँगे। ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा, लाइक तो आप लोग कर ही देंगे, लेकिन आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। अब मैं आ चुकी हूँ जिम से बाहर, और मौसम थोड़ा सा अबर वाला हो गया है इस टाइम पे, धूप कम है गर्मी कम है। जिम की खिड़की के पास खड़ी हूँ, यहाँ फुल म्यूज़िक चल रहा है, दूसरी क्लास शुरू हो गई है। हर 1 घंटे बाद क्लास होती है जिम में, और आप कोई भी क्लास कभी भी ले सकती हैं। और यहाँ का व्यू देखें, बहुत ही खूबसूरत होता है, कार पार्किंग वगैरह, ये तो ऐसे घूमती हैं जैसे बस इनका घर हो ना यहाँ पर। क्या बोलते हैं उसको, कैटस, कांटेदार, चाइना वाले खाते हैं उसको, तो तुम तो चाइना वाली ली हो ना। तो आज हम अब यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा था कि इसके अंदर कांटे होंगे, पर इसके अंदर कांटे नहीं है यहाँ पे। और शाम के टाइम आओ ना तो बहुत ही अच्छी सी यहाँ पे हरियाली और बहुत खूबसूरत, बस ये देखिए कितना अच्छा है। चुप रहे, जिम के अंदर का नहीं दिखा सकते बस, और यहाँ पे अलाउ नहीं है। बाकी ये है कि हम जिम दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं, सुबह 8 से क्लासेस शुरू हो जाती है और शाम 7 बजे तक यहाँ पे क्लासेस होती है। अब मैं यहाँ से निकल के पीती हूँ चुकंदर कह रही हूँ, यहाँ से मैं निकल के पीती हूँ चकूतरे का जूस, जो कि वेट लूज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अभी हम बढ़ रहे हैं चकूतरे का जूस पीने के लिए, चुकंदर, और फिर उसके बाद जो है अभी इनको बाहर से कुछ लेना है। देखिए कितने खूबसूरत हैं यहाँ पे भी घास वगैरह, और रोज़ यहाँ पे जो है ना माली काम कर रहा होता है, रोज़ आना सुबह सुबह भी आओ ना, बस जिस दिन इनका स्कूल का ऑफ हो जाता है ना उस दिन जो है ना, इस तरह बहुत सारी अच्छी चीज़ें रहती हैं कुछ ना। तो अभी हम बाहर जाके देखते हैं ये क्या फालतू सामान लेती हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और उसके बाद हम करेंगे अल्लाह हाफिज़। और फिर नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत अच्छा सा मिलेगा। तो चलिए पहले हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और दिखाते हैं कि अब हम क्या ले रहे हैं। यहाँ पर हमें पूछना है माइक, तो हम आ गए हैं यहाँ पर ताकि आप लोग को हमारी आवाज़ क्लियर आए, लेकिन यहाँ कुछ लेडीज़ हैं दिखा नहीं सकते। अच्छे लगे यहाँ पे कवर्स मिलते हैं मोबाइल के, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे लाइट्स। लेकिन अभी हमें देखना है माइक, जब तक माइक नहीं मिलता तो आवाज़ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो माइक मिला ही नहीं, आप बाहर आ गए कुछ और इनको सामान देखना है। शोर बहुत हो रहा है, ट्रैफिक का आवाज़ यहाँ सही समझ नहीं आ रही होगी। तो ये आ गए ये शॉप पर, और अंदर जो काम होता है ना उसके सारे फ्लावर्स सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं इस तरीके से। चलें देखते हैं अंदर क्या देख रही हैं ये, इस तरीके से सारे फॉर्मिकेशन का, फ्लावर्स का, सारे बीड्स वगैरह।
क्या मैंने लेने हैं अभी, क्या चाहिए? मटी मगर मली मड़ी भी होने जो भी हुआ बजे मटी जेने से मिल जाए जेने से की भी आग लगी मटी मड़ी हो ना। यहाँ इस तरीके से ये जो भी ग्राफिक या जो भी पेंटिंग का काम करते हैं तो वो चीज़ें भी होती हैं। इसकी क्या प्राइस है वाइट की? वाइट की क्या प्राइस है? 150 रुपये दो मेरे को जी। 150 रुपये की एक लड़ी है। 150 की एक लड़ी है ब्लैक और वाइट, यानी वाइट 150 का और ब्लैक 150 का। यहाँ पे ब्रश सेट वगैरह सब मिलता है और 150 के तो बहुत ही अच्छे हैं। और ये मिल जाते हैं 50 के भी, 100 के भी, हर तरह के। और ये ले लिए इन्होंने गोल्डन, क्योंकि क्राफ्ट आर्ट बनाती हैं, चीज़ें बनाती हैं तो ये इनके काम आता है। पेंटिंग का साइज कितने का है? ठीक है, चलिए जी, अब तो यही सामान लेना था ले लिया। ब्रश सेट ये लेंगे हम नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे कढ़ाई का भी मिल जाता है। चलें, हमारा जूस रह गया, अभी पिटा के पीते हैं। ये 100 रुपीज़ का है ना। और ये जो बड़े वाले कैनवास होते हैं, ये बड़े वाले कैनवास कितने के होते हैं? चलो पर्स इसमें डालो। अब हम आ चुके हैं, सारा सामान हमने ले लिया है, अब हम बढ़ रहे हैं आगे। और सारी यहाँ की तो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दी थी मैंने सारी, तो चलें अब बस इनका काम भी हो गया, अब हम पी लेते हैं जूस। ये हैं स्कार्फ जो यहाँ बहुत ही कम प्राइस में मिलते हैं। ये वाले 350 के हैं ना, ये वाले स्कार्फ चैफून नहीं लॉन। अंकल एक शॉपर दे दिएगा, ये फट गए। ये तो शॉपर ही फाड़ लेती हैं अपने। इस तरीके के स्कार्फ मिल जाते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्राइस में। इनके स्कार्फ जो है ना बहुत अच्छे होते हैं। इस तरीके से यहाँ सारी टोकरी वगैरह चीज़ें मिलती हैं, लेकिन स्कार्फ बहुत अच्छे होते हैं। ये भी सब यहाँ बहुत अच्छे और कम प्राइजेज में मिल जाता है। यहाँ पे तमाम यूज बैग मिलते हैं जो बहुत अच्छे प्राइस में देते हैं, और बैग्स भी अच्छे होते हैं यूज़ में, यहाँ आराम से मिल जाते हैं। ये सिलिकॉन के सारे कवर्स मिल जाते हैं। माइक वगैरह भी यहाँ पे नहीं मिला हमें, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रश बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, तो हम निकलते हैं आगे। ये आ गए हम भैया जी की दुकान पे, और यहाँ पे पी लें चकोतरे का जूस। ये वेट लॉस के लिए, बीपी लो हाई के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। बगैर पूछे मैं जिम से निकल के ना पीती हूँ, बोलने की ज़रूरत नहीं होती, ये मेरा बना देते हैं। बाकी यहाँ सब फ्रूट वाले सारी चीज़ें, यह मस्जिद है, मेमन मस्जिद आए थे। और इससे आगे जब हम जाते हैं तो करीमाबाद मार्केट आती है, वहाँ पे भी एक दिन विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम पहले पी लेते हैं जूस। ये आ गया हमारा चकोतरे का जूस, और ये इनका मुँह बहुत खट्टा होता है। ये चलिए जी भाई, मैं तो पी लेती हूँ क्योंकि मैं तो आती हूँ। ये बाकी यहाँ आ जाता है काका भवानी भी, और सारी चीज़ों के यहाँ एडमिशन हो रहे होते हैं। बहुत सारी काका भवानी के बराबर में इंस्टीट्यूट वगैरह हैं जहाँ एडमिशन्स ओपन हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देंगे, तो आज की वीडियो के लिए हमें कितने लाइक्स मिलते हैं ये तो आप ही लोग डिसाइड करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मंजू नाक्सी के साथ, तब तक के लिए बाय।